एफआईआर की। हमने बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में इस कंप्लेंट को फाइल किया था कल रात को, और एसएचओ साहब ने वीडियो देखने के बाद इस पर स्विफ्ट एक्शन लिया और हमें ये इत्मीनान दिलाया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। मुझे आज ही मैसेज आया, ऑटोमेटेड मैसेज जो आता है एफआईआर फाइल करने के बाद, कि सेक्शन 295A के तहत इनको बुक किया गया है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इन पर लगाया गया है ताकि ये पूरे मामले की जांच पड़ताल हो और इसका फैसला हो। अभी ईसीआई में भी कंप्लेंट रजिस्टर किया है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, क्या बोला है सीईओ साहब ने? सीईओ साहब, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोल ऑफिसर एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, और ऐसी चीज को वो बीच में आकर मेरे तरफ या माधवी लता जी के तरफ नहीं बोल सकते। तो उन्होंने न्यूट्रली कहा है कि आपने जो कंप्लेंट फाइल किया है, इस कंप्लेंट पर जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन होगा, और उन्होंने ये यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह देवुन दयावल्ला 7 दिन के अंदर इस पर कुछ न कुछ एक्शन होगा और वो लोग एक नोटिस भेजेंगे माधवी लता जी को। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेटर के उन तक पहुंचने के बाद वो अपनी बातों को और अपनी हरकतों को काबू में रखेंगे।